अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों में 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रचार करेंगे। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जिन नेताओं के नाम हैं वो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह का इसमें नाम है। इसके अलावा भंवर जितेंद्र सिंह, उमंग सिंघार, अरुण यादव भी अमरवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह के लिए प्रचार करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पूरा मामला छिंदवाड़ा का है। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर, विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को चुनाव है, 13 को नतीजे आएंगे और इस सीट पर नामांकन हो चुके हैं। दोनों मुख्य पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन भर दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से धीरन शाह, तो दूसरी तरफ बीजेपी से कमलेश शाह ने नामांकन कर दिया है। और अब कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 नामों में मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नाम हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, इसके अलावा दोनों पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के नाम शामिल हैं, भंवर जितेंद्र सिंह और तमाम बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। अमृतांशी मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतांशी, सीट और साख दोनों दांव पर। बिल्कुल, देखिए आसिफ, अगर बात की जाए तो अमरवाड़ा उपचुनाव के जरिए बीजेपी और कांग्रेस बहुत कुछ साबित करने में जुटी रहेंगी इस बार, क्योंकि कांग्रेस को जो एक करारी हार लोकसभा चुनाव में मिली है, कांग्रेस के लिए एक सीट साख की तरह है और बीजेपी के लिए भी है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अभी तक किसी भी विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा छिंदवाड़ा के पूरे क्षेत्र में, छिंदवाड़ा की पूरी लोकसभा में नहीं है। जितनी भी विधानसभाएं हैं उसमें सभी पर कांग्रेस का कब्जा था। हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले अमरवाड़ा जो विधायक हैं कमलेश प्रताप शाह, वो बीजेपी में आकर शामिल हो गए, जो मरवाड़ा के विधायक थे, अब वो दोबारा से बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। हालांकि कांग्रेस इस पूरे चुनाव में दमखम झोंकने की तैयारी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक साख का सवाल है। कांग्रेस के अलावा ये कमलनाथ के लिए भी साख का सवाल है। कांग्रेस ने धीरेन इनावती शाह को यहां पर मैदान में उतारा है और अब उन्हीं के लिए तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री हों, वो मौजूदा विधायक हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों, वो सभी पूरी तरह चुनाव प्रचार अभियान में जुटते हुए नजर आएंगे। पिछली बार आपको याद होगा आसिफ, जो अमरवाड़ा की सीट थी ये वही सीट थी जिसके कारण नकुलनाथ को लोकसभा चुनावों में लीड मिली थी, लेकिन इस बार वहां के विधायक तो गए ही, लेकिन इस बार लीड भी चली गई और सीट भी चली गई है। तो अमरवाड़ा को अपने पास ही कांग्रेस रखना चाहेगी। इसी कारण कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मध्यप्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कठारे, इसके अलावा अगर बात करें जो वरिष्ठ नेता है, चाहे अजय सिंह राहुल की बात करें, गोविंद सिंह की बात करें, जो मौजूदा एमएलए हैं जो कि आदिवासी विधायक भी हैं, सभी को इसमें स्टार कैंपेनर बनाया गया है। हाल ही में जब कल अगर देखा गया था अमरवाड़ा में जब नामांकन था, तो तमाम सभी नेता वहां पर मौजूद नजर आए। सज्जन सिंह वर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस अपनी जो रणनीति है इस सीट पर जाहिर तौर पर थोड़ी अलग तरीके से अपनाती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को ही काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। बीजेपी के सामने चुनौती है कि कमलनाथ के किले के जो किले को जो ढाया है लोकसभा चुनाव के जरिए, वो दोबारा से इस पर कोशिश करे, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से चाहेगी कि जो सातों के साथ विधानसभा है वो के पास रहे। इसी कारण यहां पर जो है तमाम जो मध्यप्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। एक जो अलग हम कह सकते हैं कि डिफरेंस जो दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स में है, वो ये है कि बीजेपी ने अपने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और काफी बड़े नेताओं को केंद्र से लेकर अलग अलग राज्यों से लेकर यहां पर चुनाव प्रचार में उतारा है। इसके अलावा कांग्रेस ने यहां पर मध्यप्रदेश के नेताओं पर ही भरोसा बरकरार किया है। हालांकि केंद्र संगठन के जो है वो कुछ नेता इसमें जरूर लिस्ट में शामिल किए गए हैं, लेकिन पूरी तरह से सभी नेता एकजुट होकर अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में मेहनत करते हुए नजर आएंगे और चाहेंगे कि ये सीट जो है वो अपने पास रखें। जी अमृतांशी, वही मैं जानना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं के अलावा और किस किस के नाम है इस लिस्ट में, दिल्ली से किसके नाम है? दिलीप से देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो AICC के सेक्रेटरी हैं उनका नाम इसमें शामिल किया गया है, लेकिन ज्यादातर मध्य प्रदेश के ही नेता हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे नेता हैं, और कमलनाथ अपनी पूरी लोकसभा और विधानसभा को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस बार ये देखना होगा कि क्या कमलनाथ के साथ साथ कोई इमोशनल कार्ड इन नेताओं के जरिए कांग्रेस खेलते हुए नजर आती है या फिर मुद्दों पर कांग्रेस बातचीत करती है, लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ही इसमें ज्यादातर जगह दी गई है। जी आसिफ, अमृतांशी बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अमृतांशी जोशी भोपाल से हमारे सहयोगी इस वक्त हमें अपडेट कर रही थी। आगे